बहुत ही सूक्ष्म सा एक सब्जेक्ट चूज़ करके आज बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रिसेंटली एक पेरेंट ने हमसे इसके बारे में पूछा था कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाए और इन्फॉर्मेशन दें सीजर इन बेबीज, झटका जो लगता है छोटे बच्चों में, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नियोनेटल मतलब 28 डेज के अंदर का जो बच्चा है बहुत ही सूक्ष्म होता है, और इससे उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डैमेज भी उनके बॉडी में हो सकता है। तो इस टाइम पे कैसे पता चले कि ये सीज़र है, डॉक्टर को कब दिखाना है और क्या ट्रीटमेंट होते हैं इसके इन जनरल, ये जानकारी हम पाएंगे यहाँ पे। ये डॉक्टर के एडवाइस के अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो पूरा वीडियो चेक कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कविता और स्वागत है टॉट्स एंड मॉम्स में आपका। सीज़र का सिंपल डेफिनेशन अगर आंग्ल भाषा में बताया जाए तो एक सडन अबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, झटका जोर से जो लगता है उसे सीज़र कहा जाता है। और ये परमानेंट नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आके चला जाता है। और नियोनेटल सीज़र मतलब 28 डेज के अंदर बच्चे को जो होता है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कोई अंडरलाइंग कंडीशन का एक सिम्टम भी हो सकता है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम है उसके वजह से ये सीज़र बच्चे को हो रहा है, ये हो सकता है। और ये ज़्यादातर होता है प्री टर्म बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी के ऑर्गन ठीक तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, या फिर लो बर्थ वेट, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिख सकती है। और ठीक समय पे इसका डायग्नोस करके ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल डिसऑर्डर या कुछ, या ब्रेन से, क्योंकि हमारा टोटल बॉडी कनेक्टेड है तो कोई भी ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे हमें ठीक तरह से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। किस कारण से ये होता है? तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हो सकता है कि डिलीवरी टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई ठीक तरह से नहीं आई होगी बच्चे को, या फिर डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद में स्ट्रोक हुआ हो, या कोई इन्फेक्शन इंटरनली हुई हो, ब्रेन में ब्लड क्लॉट या ब्रेन में ब्लीडिंग हुई हो, या फिर ब्लड शुगर या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो चुका हो, ऐसे बहुत सारे केसेस के वजह से ये हो सकता है। और एक हेरिडिटी वाइज एक बताया जाता है कि बिनाइन फैमिलियल नियोनेटल सीजर जो माता में या पिता में अगर हुआ हो तो बच्चे को हो सकता है 5th डे फिट्स कहा जाता है इन जनरल वर्ड्स। अगर ये होता है तो भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोलॉन्ग नहीं होता है, और ट्रीट किया जाने पर कोई भी इश्यू ना होते हुए बच्चा ठीक हो सकता है, या फिर थोड़ा डेवलपमेंटल डिले दिख सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। अभी साइंस ये है कि इसका थोड़ा प्रॉब्लम है कि पता कैसे चले कि बच्चे को सीज़र या झटका हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी से बच्चे भी ऐसे करते हैं कि चीविंग मोशन करना, या फिर हाथ पैर सडनली जर्क करना और सडन मोशन में। तो छोटे से बच्चे होते हैं, वो भी अडेप्ट हो रहे हैं हमारी नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो उस टाइम पे जज करना प्रॉब्लम हो सकता है। और डिफरेंट सीज़र्स हैं यहाँ पे, सटल, क्लॉनिक, टॉनिक, मायोक्लॉनिक, ऐसे 4 डिफरेंट सीज़र हैं जिनके डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स होते हैं, तो हमें डेफिनेटली पता नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है बच्चे को झटका हुआ है या फिर कुछ भी अबनॉर्मल ऐसे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो बना के आप डॉक्टर को सेफ रहने के लिए दिखा सकते हैं। और डायग्नोसिस देखने के बाद ऑलमोस्ट डॉक्टर को पार्शली पता चल सकता है, बट क्योंकि ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं और सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए एडवाइस करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा EEG करेंगे, या फिर बाद में और भी रिक्वायरमेंट है तो MRI या CT स्कैन एडवाइस करेंगे, और देखने के बाद ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। मेडिकेशन के तौर पे बच्चे के टेस्ट को चेक करके ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं, क्योंकि जैसे पहले कहा बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीज़र है, तो मेडिकेशन भी उसके हिसाब से दी जाएगी।
और अगर ऑक्सीजन सप्लाई का इश्यू है तो वो ठीक करेंगे पहले, या चेक करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट चाहिए होता है फर्दर, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सा सीन है. कभी कभार हो सकता है कि फॉल्स अलार्म था कि कुछ नहीं है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. और घर में अगर आपको लगे आपके बच्चे को सीजर हो रहा है, तो प्लीज़ सडनली बच्चे को उठा के थपथपाना या कुछ नहीं होगा, बच्चा डरना, रोना, चिल्लाना, आप ऐसे मत कुछ भी कीजिएगा. बच्चा जहाँ है वहाँ पे बच्चे को छोड़ के उसके तीनों तरफ या चारों तरफ पिल्लो या कुछ रख दीजिए. उस इवेंट के बाद बच्चे को बच्चे के पास ही बैठ के थोड़ा कंसोल कीजिएगा, और डॉक्टर से बाद में बात करके प्लीज़ उन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा. ये बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है. घर में एक छोटा बच्चा आया है तो उसके साथ चेतावनी भी बरतनी पड़ती है. ये सब हमें चेक करना पड़ता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम ना हो. ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल डेज में जॉन्डिस हो जाता है, सीजर, या फिर बच्चे ठीक तरह से दूध नहीं पीते, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं, तो डर तो लगता ही है. पर अगर इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से हमें पता है और डॉक्टर के पास ठीक समय पे हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है. मतलब प्रॉब्लम ना हो ऐसे भी हो सकता है, है ना. तो आशा है कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी. तो हम रेगुलरली ऐसे मॉम हेल्थ और बेबी हेल्थ के बारे में वीडियोज़ बनाते रहते हैं. थम सकिंग, बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं ना, उंगलियां चूसते हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि छुड़वाना ठीक है या नहीं छुड़वाना है, या क्यों ऐसे करते हैं बच्चे, तो वो वीडियो चेक कीजिएगा. और दूसरा माओ के लिए है हेयर फॉल. बच्चा जाने के बाद बाल इतने झड़ते हैं कि लगता है कि गंजे ही हो जाएंगे, तो उसके बारे में कि क्या कर सकते हैं हम, क्यों ऐसे होता है, एक सिंपल सा वीडियो है, वो भी चेक कीजिएगा. और टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स, हमारा ऑर्गेनिक फूड स्टोर है, USDA सर्टिफाइड. अमेजॉन, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट में हमारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं. छोटे बच्चों के लिए दलिया, इंस्टेंट मिक्स, पैनकेक मिक्स, ड्राई फ्रूट पाउडर जैसे बहुत सारे हेल्दी केमिकल फ्री फूड आपको मिलेंगे. हमारा स्टोर है, चेक कीजिएगा shop.totsandmoms में. और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय.